बाबू कब से ये घर कब गिरा था आपका घर? अभी कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले गिरी है। अच्छा, 2-4 बारिश, जिस दिन बारिश बिजली तड़क रही थी जो अच्छा, रोज़ अच्छा, हाँ। उसी दिन गिरा था। तो कोई जान माल किसी की मतलब कुछ तो हुआ नहीं नुकसान? नहीं, शाम को सुबह आके देखे सब लोग गिरा था। अच्छा, आप लोग नहीं थे यहाँ पर? नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रहते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे दोस्तों? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ राहुल भैया के घर और मैं आप लोगों को दिखाऊँ राहुल भैया कर क्या रहे हैं इस टाइम। हमारे राहुल भैया जी नहा रहे हैं, वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ पूरा क्लियर। तो दोस्तों, मैं आज मैं बहुत पुरानी जो चीज़ें हैं मतलब दादा परदादा से चली आ रही हैं वो चीज़ मैं दिखाऊंगी, क्योंकि आजकल वो लुप्त हो रही हैं, उनका मतलब ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। मैं जो चाइना सामान आजकल लाइटी वगैरह आ रही हैं उससे सामने तो मतलब ये तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए दोस्तों। ये मतलब ये दिया है, ये घरिया है जिसमें लाई वगैरह भरी जाती है, और ये बड़ा इसे ये करवा है, करवा चौथ का है। हाँ, वहाँ पेंट भी है, तो वहाँ पेंट भी है। ये बनाने वाले मैं पहली बात तो जो बनाए हैं उनसे मैं आपको मुलाकात कराती हूँ। तो देखिए दोस्तों, चाइना लाइट छोड़ के प्लीज़ दोस्तों कम से कम मिट्टी के जो दिए हैं इसको आप इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल शुद्ध है ये, समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जिन्होंने ये मिट्टी के दिए बनाए, करवे बनाए हैं, घरवे बनाए हैं, मैं उनसे आपको मुलाकात करा रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये हैं जिन्होंने ये सब बनाया। तो ये आप ये कब से बना रहे हो? ये हम 1 महीने से पहले बना रहे हैं। 1 महीने से बना रहे हो? हाँ। तो मतलब आप बनाते हो कि आपकी फैमिली भी बनाती है साथ में? हमारी फैमिली भी बनाते हैं साथ में। अच्छा, तो ये दिए मतलब दिवाली तक मतलब कितने तैयार कर लोगे इस हिसाब से? अरे बहुत तैयार हो गया, एक चक्कर आमा लग गया है। अच्छा, दूसरा चक्कर लगने वाला है। अच्छा, तो इस टाइम करवा चौथ भी आने वाला है, मेरे 13 तारीख को करवा चौथ है, वो भी आ रहा है। तो आपने करवा वगैरह भी बनाया है ना? चलिए मैं आपको करवा ले चलते दिखाती हूँ जहाँ इन्होंने करवा बनाया है। ये मिट्टी किस लिए घोल रखी है? ये छान के मतलब सुखाया जा रहा है। अच्छा, छान के तैयार ये लोग, और इसका शायद पेंट है अभी गीला है। देखिए अभी मतलब ये गीला है, ये करवा तैयार हो रहा है। और इधर है ये कुआं, ये बहुत पुराना कुआं है। कितने साल का पुराना होगा? नहीं, कुआं आजा बाबा के जमाने का कुआं है, समझ। आइए देखिए दोस्तों, एक कच्चा घर है जो कि मतलब बारिश की वजह से शायद टूट गए, क्या ग्रस्त हो गया, गिर गया है। ये देखिए, ये पुराना है, एकदम मिट्टी का था, ये टूट टूट के बराबर हो चुका है, इसमें रहने की जगह नहीं है। अच्छा, आप इसी में रहते भी हो? हाँ, इसी में रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का गरीबी का स्थिति, ये देखिए दोस्तों, ये इसी में मतलब ये इनका घर था जो कि टूट चुका है, अब तो मतलब देख सकते हैं खंडित हो चुका है, रहने लायक तो है नहीं, पर ये लोग यहाँ रहते हो। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे दिए बना रखी है, अभी ये पका नहीं है, मतलब कच्चा है। और देखिए दोस्तों, कितनी मतलब कितनी वैसी स्थिति में रह रही हैं, आप देख सकते हो कहाँ यहाँ खाना बनानी है, यहाँ खाना बनाती हैं अपना, और इधर दिया रख रखा है कितने, ये इधर भी घर, ये छोटा सा, ये छोटा सा छोटे में गुजारा करते हैं, दिया बना के अपना पेट पीट करते हैं। बताइए, इसी मतलब इसी दिए से इनका गुजारा चलता है? हाँ। ये दिया मतलब जो बनाते हैं दिवाली पे जो बिकता है इसी से इनका गुजारा चलता है। और ये बताइए, एक मिनट, आप लोग सोच नहीं सकते हो कितनी वैसी स्थिति में है ये कि यहीं पे इनको खाना बनाना पीना सब हो। आप यहाँ खाना बनाते हो? हाँ, चलिए। ओ रब्बा, बस इतने ही रहे, इधर देखिए। हाँ, में चलिए, बहुत अच्छा था जब इधर नहीं था। आप यहाँ कैसे बनाते हो खाना अकेले? देखिए, इसमें खाना बनाते हैं। ये देखो, ये है, ये जो है ना, इसमें खाना बनाती है। आप लोग देख सकते हो कि घर मतलब पूरा गिर चुका है, मतलब बिल्कुल रहने की जगह नहीं है। फिर भी ये जो हमारी जो मेरी छोटी सी बहन है, समझ लीजिए, उसने बेचारी इसमें खाना बनाती है, इसमें इस कमरे में, क्योंकि सबका तो पेट भरना ही है ना, कहीं तो बनाने की चाहिए जगह। बाबू कब से ये घर कब गिरा था आपका? घर अभी कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले गिरी है। अच्छा, 2-4 बारिश, जिस दिन बारिश बिजली तड़क रही थी जो रोज़। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उसी दिन गिरा था। तो कोई जान माल किसी की मतलब कुछ तो हुआ नहीं नुकसान? नहीं, शाम को सुबह आके देखे सब लोग गिरा था। अच्छा, आप लोग नहीं थे यहाँ पर? नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रहते, बस खाली खाना वाना बनाते हैं। वो तो शुगर करो, कोई सोया नहीं था, खाली ऐसे ही सब लोग थे वहाँ पर जाके रहते थे, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अभी देख लो, कुदरत के आगे कुछ का बस नहीं चलता है। हम लोग एक बार ऐसा मतलब फोटो खींच के भेजे थे मोबाइल पे,
कि हमारा गांव का स्थिति ऐसा है, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है, वीडियो बना के डाला थे, लेकिन उसमें से मतलब हम लोग किसी का हेल्प मांगे थे कि सोचा कि हमको मोदी कुछ न कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, किसी का गरीबी का नहीं देखा आज, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है। हम लोग भेज के मैं सोचा कि जो कुछ पैसा मिलता है ना घर के, आवास आवास मिलता है, घर मिलता है, वो सब कुछ भी नहीं मिला था भेजने के बावजूद भी। बताइए मतलब भेजा था इन्होंने, में हम लोग को गुजारा करना है, कैसे करना है वो हम लोग जानेंगे। सही बात है, ठीक है, जो यहाँ पर रहता वही ना जानेगा कैसे इनको तो गुजारा करना है। अभी उतने छोटे से कुटिया में हम कितना दिया धर के रखा है, उसके बाद उसी में खाना बनाते हैं, फिर अपने हस्बैंड को मैं तैयार करके देती हूँ चौमिन बेचने के लिए, वो भी रोजी रोटी, लड़के का पढ़ाई लिखाई कुल हर एक चीज, हर एक चीज देखना है मुझको। हाँ ये तो है, सही बात है। हाँ। तो आप लोगों को मैंने दिखाया कि कितनी बुरी स्थिति है इन लोगों की, एकदम घर गिर चुका है, कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं है, और जहाँ मैंने दिखाया बस उतनी सी कुटिया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं, दिया रख रखा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, कम से कम जो चाइना सामान होता है, जो चाइना से आता है, दूसरे देश से आता है, आप लोग खरीद के उसको जलाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कम से कम इन लोगों की हेल्प कीजिए, दिया खरीदिए, दो मतलब रोज़गार है एक तरह से इनका, रोज़गार कम से बंद मत कीजिए, दिया खरीदिए, माटी का शुद्ध बिल्कुल दिया जलाइए, घर में लक्ष्मी जी खुद ही प्रवेश करेंगी। आप चाइना के ललटे दिया जला लेते हो, झालर लटका देते हो, चलो कोई बात नहीं, कम से कम दिया तो कम से कम दरवाजे जला लीजिए, तो कम से कम इन लोगों को रोज़गार तो मिलेगा, कुछ पैसा तो आएगा। और हाँ, जितने लोग मेरी वीडियो देखें प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, जहाँ तक हो बहुत दूर तक ले जाइए, ताकि कुछ उनकी हेल्प हो सके। ये देखिए दोस्तों, पूरा घर गिर चुका है इनका, आपको मैं दिखाऊं पहले के जमाने के कोठा। हाँ, पहले के जमाने कोठी कोठा जो भी था, पर गिर चुका है अब, उनके सर पे छत तो है नहीं रहने की, वही छत थी जो भी है, भी जो बाप दादा ने बनाई थी, सब गिर चुकी है। इधर भी देखिए, ये देखिए राहुल की मम्मी आ रही है। नमस्ते आंटी। हाँ, लड़की बच्ची घर है, देखो हमारे घर। देखिए ये राहुल भैया हैं जो उनके दादा हैं, और ये देखिए इनकी दादी हैं जिन्हें खाली से मारती है। अच्छा, इनको 12 साल, 12 साल लोगों खाली से मारे, 12 साल सब कुछ करती है। चलिए, सौभाग्य है कि किसी के दादा दादी जिंदा है, समझ लीजिए सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के दादा दादी दरवाजे पे हैं। हाँ, बहुत बड़ा सौभाग्य है। किसी से चाची बनाती है इसके? अच्छा, मतलब इसी से ये दिया बनाती हैं, और शायद दिया बना था इसी से। तो मेरे को हो गई थी शाम थोड़ी, ये बैटरी 4000 का बैटरी था, 3500 के चाकी था। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ऐसे लोगों का आप सपोर्ट कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जहाँ तक जा सके। तो देखिए दोस्तों, ये राहुल भैया की फैमिली है, पर मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, अपना सा महसूस दिया कि हाँ मैं किसी अपनों में ही हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो बस यहीं तक है, कल एक नई वीडियो से फिर हमारी कल फिर मुलाकात होती है। ओके, बाय।